Okay, students, so let's start. First of all, you take out page number 265. You have, if you have old book, आपके पास अगर old book है, तो आप 265 निकालेंगे page number. And this is your question. Himanshu, Gagan and Naman are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. मिला आप लोगों को book में? बुक में मिला कि नहीं? निशा, रणवीर, बुक में मिला ये वाला क्वेश्चन? हिमांशु, गगन एंड नमन, यस यस नो? कुछ तो बोलो भाई, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो. व्हाट What is this? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन मिला कि नहीं आप लोग को? मैम रुको, ढूंढ रहे हैं. ढूंढ रहे हो? हाँ तो बोलो ना. ऐसे अगर मैं स्टार्ट कर दिया रहती तो फिर बोलना पड़ता है ना कि मैडम रुको, अभी थोड़ा सा नंबर ढूंढ रहे हैं. नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा ना. देखो मिला? Yes, मैम अभी स्टार्ट कर दो. Now look at here question. सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, then after we will solve it. Himanshu, Gagan and Naman are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. ठीक है, लोग हिमांशु, गगन और नमन जो है वो तीनों पार्टनर है, जो कि वो लोग 3:2:1 के पार्टनरशिप है. On March 31st, 2007, Naman retired. Naman जो है वहाँ पे रिटायर हो जाए 31st मार्च में. The various assets and liabilities of the firm on the date as follows. उस टाइम में जितने भी assets और liabilities है, उस टाइम पे उस date में सबका वैल्यू क्या है? कैश उस टाइम पे रखा हुआ था 10,000, बिल्डिंग का वैल्यू बना 1,00,000, मशीन का वैल्यू बना 40,000, स्टॉक का बना 20,000, डेटर का बना 20,000, इन्वेस्टमेंट का बना 30,000. ओके, देन द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स एंड नमन रिटायर. ये जो है पार्टनर्स और नमन के रिटायर होने के बाद की कुछ कुछ एडजस्टमेंट है. सबसे पहले एडजस्टमेंट बताया गया, बिल्डिंग इज टू एप्रिशिएट बाय 20%. एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिशिएट? बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%, प्लांट एंड मशीन टू बी डेप्रिशिएट बाई 10%. एप्रिशिएट डेप्रिशिएट क्या होता है? पता होगा तो प्लीज बताइए. एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना. बिल्डिंग की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई 20%. ओके, प्लांट और मशीनरी का जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है 10%. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मतलब डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू कम हो जाना. आप लोग क्लास 11 में डेप्रिसिएशन एक पूरा चैप्टर पढ़े हो, तो डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट का वैल्यू कम हो जाना. अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएट जो है 5% डेटर निकालेंगे, 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएटेड ऑन द बैड डेट. स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट ₹18,000 एंड इन्वेस्टमेंट एट 35,000. स्टॉक का जो वैल्यू हुआ 18,000 हो गया है, पहले कितना था 20,000 था, अभी जो है 18,000 हो गया. इन्वेस्टमेंट 35,000 हो गया, पहले कितना था 30,000 था, अभी 35,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है. ठीक है, नाउ हियर वी विल गो फॉर द एंट्री. अपन अब एंट्री करेंगे. तो एंट्री में अगर आप देखोगे, बिल्डिंग 20% जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है. ठीक है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, देखो, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज टू बी अबव अफेक्टेड एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पर अपन को जर्नल एंट्री भी बनाना है, साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन, सॉरी,
जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का रिवेल्यूशन, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे पहला क्या आएगा बताइए। यहाँ पे अगर सबसे पहले बिल्डिंग अगर एप्रिशिएट होगा तो क्या एंट्री होगी? बताइए जल्दी से, बिल्डिंग अगर एप्रिशिएट होगी तो क्या एंट्री होगी? एसेट अगर इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होने का क्या एंट्री है? कोई जवाब क्यों नहीं आता आप लोग की तरफ से? एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग एसेट की लाइबिलिटी है, क्या होता है बिल्डिंग? मैम एसेट है, एसेट अगर एसेट इंक्रीज होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना रिवैल्यूएशन का, ये वाला जो है ये आप लोगों को मैंने बताया था, पहले ही बताया था एडमिशन, एडमिशन क्या चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम में है, बताया था आप लोग को। जस्ट वेट, ये जो है ये आप लोगों ने किया नहीं क्या? फॉर इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फॉर डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, याद आया कि नहीं याद आया? तो सबसे पहले एंट्री होगी बिल्डिंग के एप्रिशिएट होने का, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पेपर क्या एंट्री होगी? 20,000, क्योंकि अगर आप 1,00,000 का बिल्डिंग कितना है, 1,00,000, 1,00,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो 20,000 यहाँ पे लिखेंगे एंड 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। देन सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री बोला है प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड, तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना होगा? 4,000। कोई डाउट होगा तो पूछोगे, नहीं होगा तो मैं नहीं बताने वाली, मैं भी सीधा सीधा करने वाली, क्योंकि आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो। अब प्रोविजन 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएटेड ऑन बैड डेब्ट्स, थर्ड वाले में बताया है कि प्रोविजन जो है डेटर से क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर लाइबिलिटी अगर क्रिएट होती है तो इट मीन्स की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी जर्नल क्या होती है? जर्नल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फॉर बैड डेब्ट्स। 1,000 1,000 लिखते जाएंगे। कंपाउंड एंट्री भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन है डेबिट में है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन, बस क्या होगा कि दोनों को प्लस करके साथ में लिख देना है। ये मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था। देन आफ्टर स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 18,000, 18,000 जो है वैल्यूड है, तो स्टॉक पहले कितना था? 20,000 था, तो यह डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? मैम डिक्रीज हो रहा है। हाँ,
रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिटेड तो क्या आ जाएगा स्टॉक, तो कितना आएगा यहाँ पे 18,000 आएगा कि कितना आएगा बताओ तो। स्टॉक पहले जो था वो कितना था 20,000 था, अभी जो है 18,000 है, तो कितना घटा 2,000। यस गुड। नाउ फिफ्थ, फिफ्थ वाले में क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 35,000, पहले कितना था 30,000 था, अभी कितना है इन्वेस्टमेंट 35,000 है, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या बोले मैम? इन्वेस्टमेंट पहले 30,000 था, अभी जो है 35,000 हो गया है, पहले 30,000 था अभी 35,000 हो गया, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? मैम इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 5,000। 5,000 गुड। ठीक है, अभी ये सारी एंट्री हो गई, और कोई एंट्री बची है क्या? और कोई एंट्री नहीं बची है। ठीक है, तो देखो मैं एक तो आपको बता रही हूँ, आप लोग ऐसे इको ऐसे जो है अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इस वाले को, जैसे कि टू, जैसे बिल्डिंग है डेबिट है, ठीक है, टू रिवॉल्यूशन है, और टू रिवॉल्यूशन कौन सा है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, फर्स्ट और फिफ्थ का जो है कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, कैसे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन, इसका 20,000 इसका 5,000 मिला करके रिवॉल्यूशन में लिख देंगे 25,000। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो तीन टू रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट में, ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट है, ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट में, ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट में है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउट फॉर डेट, टू स्टॉक का अमाउंट टोटल करेंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे। क्लियर है मैम? एक बार और समझाओ तो। देखो देखो मैं लिख के बता रही हूँ, ठीक है, ये एंट्री को, ये जितनी भी एंट्री है ना, इसको मैं एक बार कर दे रही हूँ, और करके मैं लिख दे रही हूँ ये वाले एंट्री को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, पहला क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन, क्रेडिट में रिवॉल्यूशन अकाउंट और कौन कौन सा है, एक फर्स्ट वाला है, एक और कौन सा है बताओ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड रिवॉल्यूशन टू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड में, और कौन सी इसमें से पांचों में से कौन सी एंट्री जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में है, देख के बताओ। क्रेडिट में रिवॉल्यूशन अकाउंट ये क्रेडिट में है, और ये लास्ट वाले क्रेडिट में ना, देखो ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट नीचे में है, ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट नीचे में है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो इसको अपन कंपाउंड एंट्री करके लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे BULDING, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्रेडिट में है, रिवॉल्यूशन अकाउंट टू कॉमन चीज है, यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट लिख दिए, बाकी ऊपर में क्या है, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, यहाँ पे 20,000 है, तो यहाँ 20,000 लिख दिए, इन्वेस्टमेंट का कितना है 5,000, यहाँ पे 5,000 लिख दिए, और दोनों को प्लस करके रिवॉल्यूशन में लिख देंगे 25,000। समझ में आया? हाँ, अभी ये वाला देखो, सेकेंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला कंपाउंड एंट्री में बता रही हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, ऐसे कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। तो सेकेंड वाले में देखो, ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट में है, थर्ड वाला भी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट में है, और फोर्थ वाला रिवॉल्यूशन अकाउंट भी डेबिट में है, तो इसके पे कंपाउंडिंग एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अभी देखो प्लांट में मशीनरी में कितना अमाउंट दिया हुआ है 4,000,
तो यहाँ पर अपन 4000 लिख दिए, ठीक है, क्रेडिट साइड मतलब यहाँ पर लिखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में कितना है 1000, तो यहाँ पर 1000 लिख दिए। देन स्टॉक में कितना है, स्टॉक में देखोगे 2000, तो यहाँ पर लिख दिए 2000, ठीक है। अभी इन तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे 4, 5, 6, 7, 7000 जो आ जाएगा वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एंट्री भी कर सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है मैम, ठीक है, हाँ ओके। तो अभी जो है अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है इट मींस कि प्रॉफिट हुआ है, अगर ज्यादा अमाउंट प्रॉफिट क्रेडिट में है तो इट मींस कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, अगर कम अमाउंट अगर डेबिट में है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपन को प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। अभी भी मान के चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट होता है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में कम है और डेबिट में ज्यादा है तो लॉस हो जाता है, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पर बताओ, यहाँ पे अपन इसमें अब इसमें से देखते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बताओ 25,000 है क्रेडिट में और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो है 7000 है, ओके। तो यहाँ पर क्रेडिट में ज्यादा है कि डेबिट में ज्यादा है, क्योंकि ये भी देखो ये नीचे क्रेडिट में है, ठीक है, और ये डेबिट में है, तो ये 25,000 ही 7000 है, तो हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैम प्रॉफिट हुआ है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, कैसे, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा रिवैल्यूएशन क्रेडिट है ना, ये 25,000 है और रिवैल्यूएशन कितने 7000 है, तो हमको 7000 इसलिए। हाँ तो कितना प्रॉफिट हुआ है बताओ, कितने का प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करोगे आप अगर क्रेडिट साइड में अगर अमाउंट ज्यादा, लेजर बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो अगर क्रेडिट साइड में अगर ज्यादा है और डेबिट साइड में कम है तो अपन क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं, क्रेडिट साइड से बैलेंसिंग फिगर लाने के लिए अपन क्रेडिट माइनस करते हैं, यस मैम, है ना। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे, तो ये तो जनरल एंट्री है, इसमें अच्छे से आपको पता नहीं चल रहा होगा। देखो तो यहाँ पर कितना डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन 25,000 से 7,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ कितना आएगा, और उसको अपन बांट देंगे तीनों में, हिमांशु टू गगन, 25,000 से 7,000 माइनस करो जल्दी, कितना आएगा बताओ, 18,000 आएगा, हाँ 18,000 आएगा, ठीक है। उस 18,000 को अपन को हिमांशु के में, गगन के में, हाँ, और नमन के में बांट देना है, नमन के में बांट देना है, ये 18,000 आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन को 18,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, तो 18,000 अपन बांटेंगे हिमांशु गगन और नमन में, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशो कितना है, 3:2, 2:1, इतना ही है। तो 18,000 का 18,000 का कितना आएगा, 18,000 का 18,000 का 3/6, ठीक है, तो कितना लगेगा, कितना आएगा 9,000 आएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका 9,000, यहाँ पर आएगा आपका 6,000 और फिर आ जाएगा 3,000, ओके। तो ये आपका रिवैल्यूएशन का जो है जनरल एंट्री बढ़ गया। अभी जो अपन अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में क्या क्या लगता है, डेट, अकाउंट बना रहे लेजर बना रहे लेजर, ठीक है, डेट, देन पर्टिकुलर,
देन अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर, देन पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, देन अगेन अमाउंट। अभी बस अपन को क्या करना है, जो भी जर्नल एंट्री अपन किए है ना उसको अपन को देख देख के बस यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में उतारना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ पे जो जर्नल एंट्री सबसे पहले अपन किए हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करके लिखे हैं टू रिवैल्यूएशन। सबसे पहली बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता है। ठीक है, क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा। क्या करके आएगा, बाय बिल्डिंग। और बाय बिल्डिंग अपन कहाँ लिखते हैं, लेजर की पोस्टिंग करनी आती है ना आप लोग को, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना आता होगा, आता है कि नहीं आता है। लेजर से, जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना है। यहाँ पर सबसे पहला जो एंट्री है देखो, यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन में आ जा रहा है। तो बाय वाला कहाँ लिखते हैं, बाय इस साइड लिखते हैं, टू इस साइड लिखते हैं ना लेजर में, तो बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे देखो टू लिखा है, टू किधर लिखते हैं अपन, इस साइड पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना आएगा, 4,000। देन अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, अगेन देखो टू में लिखा है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना है, 1,000। ओके, देन यहाँ पर क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, है ना, कितना है, 2,000, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो अगेन यू विल राइट हियर टू स्टॉक, कितना आएगा, 2,000। देन लास्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट का बाय इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा, 5,000। अभी आप लोग देखो यहाँ पर मैं टैली कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर अपन टैली करते हैं ना, लास्ट में अकाउंट को क्लोज करते हैं। यस मैम। हाँ, अकाउंट क्लोज करने के लिए यहाँ पर देखो कितना होगा, टोटल करोगे तो इस साइड में क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, तो 20,000 और 5,000 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 25,000। और यहाँ पर कितना आएगा, सेवन थाउजेंड। क्या दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, 25,000 और 7,000? नो मैम। हाँ, नो मैम, 7,000 नहीं है इक्वल, तो इक्वल करने के लिए अपन को यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर अपन टू बैलेंस करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर करके लिखेंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर किसके किसके में देना है, हिमांशु में, गगन में और नमन में, प्रॉफिट ट्रांसफर कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, 25,000 से, और यहाँ पर 7,000 है, 25,000 से 7,000 को माइनस करेंगे तो अपना कितना आया था, पहले अपन निकाल चुके कैलकुलेशन, 18,000 ना बेटा, हाँ 18,000, सॉरी, हाँ 18,000, तो हिमांशु के में बांटेंगे, देखो यहाँ पर अपन पूरा लिख के रखे हैं कि कितना कितना बांटना है, तो बस अपन को इसको देख देख के यहाँ उतारना है, तो हिमांशु में कितना आएगा, 9,000 आएगा, देन गगन में आएगा 6,000, देन नमन में आएगा 3,000, अपन निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 18,000, है ना, तो अभी आप करोगे, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा 18,000, यहाँ पे लिखते 18,000, 18,000 प्लस 7,000 आ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000, अगेन यू विल राइट 25,000। ठीक है, ये टैली हो गया,
क्लियर है, कोई डाउट है? नो मैम। ओके, मैं ये क्वेश्चन फिर आप लोग को भेज दे रही हूँ ग्रुप में, इसको आप लोग देख लेना, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 बनाने की ट्राई करो और मुझे ग्रुप में सेंड करो, ठीक है? ओके मैम। ओके, ओके नाउ मैम, क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। थैंक यू।